कक्षा छठी दूसरी इकाई पाठ सातवां कागज की थैली। लेखक है राजश्री अभय। बच्चों आज हम कागज की थैली बनाएंगे और मेरे साथ आप लोगों को भी कागज की थैली बनानी है। इसके लिए मैंने आपको पहले से ही सामग्री बताई थी क्या क्या हमें ज़रूरी है। तो अभी हमने सामग्री कौन कौन सी ली है। पुराना समाचार पत्र, लेकिन मैंने यहाँ पर पुराना समाचार पत्र नहीं लिया है, मैंने कार्ड पेपर लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, पुराना समाचार पत्र भी ले सकते हो। मैंने कैंची ली, गोंद ली है, फिर स्केल ली है और पेंसिल, यह इतनी सामग्री मैंने ली है। अभी हम विधि बनाए देखेंगे क्या है, कैसे बनानी है। विधि मतलब हमें कैसे तैयार करना है। कृति क्या है। सर्वप्रथम पुराने समाचार पत्र का एक पन्ना लो। मैंने कार्ड पेपर लिया है, उसकी लंबाई वाले भाग की ओर से उसे 2 इंच में मोड़ो। अभी आप लोगों को क्या करना है, अब गौर से देखो मैं क्या कर रही हूँ। जो लंबाई वाला भाग है उस भाग की ओर से मैंने उसे अभी मैं इसे 2 इंच में मोड़ूंगी। देखिए आप लोग, मैंने स्केल से इसका अंतर नापा है और अभी मैं इसे मोड़ने जा रही हूँ। देखिए 2 इंच मैंने इसमें अभी अंतर लिया है और 2 इंच में इसे अभी मैंने मोड़ा है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसी पन्ने को चौड़ाई वाले भाग की ओर से 1 इंच मोड़ो। अभी आपको नाप लेके 1 इंच तक मोड़ना है। अभी मैं पेंसिल से नाप ले रही हूँ, अभी मैंने इसे मोड़ा है 1 इंच में। अभी आगे हम क्या करेंगे, देखिए तैयार पन्ने को 2 बराबर भागों में मोड़कर इसे हम विभाजित करेंगे। देखिए 2 भागों में मैंने अभी इसे मोड़ा है, आपको ऐसे ही करना है। विभाजित पन्नों को फिर हम क्या करेंगे, 4 भागों में पुनर्विभाजित करेंगे। देखिए अभी ये 2 पन्ने हो गए ना, 2 भाग बराबर हो गए हैं। अभी मैं क्या करूँगी, ये जो विभाजित पन्ने हैं इसको मैं फिर 4 भागों में पुनर्विभाजित करूँगी। देखिए ये हो गया अपना, ये 2 भाग हो गए। पहले 2 भागों में इसे मोड़ा था, फिर अभी ये तीसरा, और फिर से अभी मैं चौथा जो भाग है इसे भी मोड़ूंगी। अभी 4 भाग हो गए अपने, इसे 4 भागों में मैंने पुनर्विभाजित कर को मैंने अभी बराबर भागों में मैंने मोड़कर इसे विभाजित कर लिया था और इसे मैंने चिपकाया। अभी आपने गौर से देखा है कि मैंने किस तरह से किया है। देखिए मैं फिर से आप लोगों को फिर से क्या करना है, ध्यान में रखना है कि अच्छी तरह से हमें ये जो विभाजित किया हुआ जो हिस्सा था ना, उसे हमें चिपकाना है। अभी आपको एक रेड लाइन दिख रही है ना, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ। मेरे पास जो ग्लू था, वो ग्लू मैं जब खींच रही थी नीचे, तो ऑटोमेटिकली वो इसे कलर आ रहा था, उसको रेड कलर। हाँ तो ये देखो, अभी मैंने अच्छी तरह से मैंने ये अभी दोनों हिस्सों को चिपकाया है। अभी नीचे से मोड़कर उसे फिर से आप लोगों को चिपकाना है। देखिए ध्यान देकर मैंने किस तरह से इसे चिपकाया है। अभी निचला जो हिस्सा है, यह हमारे थैली का निचला हिस्सा है। अभी मैंने क्या किया, इसे शंकु की तरह त्रिकोण इसका तैयार किया है। अभी इसे भी मैं चिपकाऊंगी। देखिए दोनों बाजू से मैंने क्या किया है, इसे अभी त्रिकोण जैसा आकार बनकर, हाँ ये मैंने त्रिकोण जैसा आकार अभी दोनों तरफ से बनाया है। अभी मैं इसे फिर से चिपकाऊंगी।
देखो मैंने किस तरह से किया है, आपको भी वैसे ही करना है। ध्यान दीजिए आप, ये ऊपरी हिस्सा है और अब ये निचला हिस्सा है। मैं इसे गोंद लगा रही हूँ और जो निचला हिस्सा है उसे मैं अभी ऊपरी हिस्से के ऊपर चिपकाऊंगी। इस तरह से आपको चिपकाना है। जब भी आपको गोंद लगानी है आप अच्छे तरह से लगाओ, नहीं तो अपनी जो थैली है वो खुल जाएगी। अगर कोई चीज़ इसमें आप लोगों ने रखी है तो वो गिर जाएगी, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से चिपकाना है। अभी मैंने एक डोरी रखी है, अभी मैं इसके अंदर देखो छोटा सा होल बना के इसके अंदर मैं डोरी डालूंगी। दोनों तरफ से ये करना है आप लोगों को, कि मैंने पेंसिल का ही इसके लिए उपयोग किया है। मैं छोटा सा होल बना रही हूँ, इसके अंदर मैं डोरी डालूंगी। अभी आप लेस का भी उपयोग कर सकते हो, इसमें कोई लेस लगा सकते हो। कलरफुल डोरी रहेगी तो और भी अच्छा है, लेकिन मेरे पास ये थी इसलिए मैंने इसका उपयोग किया है। अभी मैं फिर से चिपका रही हूँ, क्योंकि जो मैंने चिपकाया था ना ये हिस्सा, तो वो निकल गया है, इसलिए मैंने फिर से इसे गोंद लगाया है। अभी मैं डोरी डाल रही हूँ अंदर, आपको भी इस तरह से करना है। इसे मैं अभी गांठ मार रही हूँ। देखिए गांठ बांधी है मैंने यहाँ पर, और जब आप डोर लेंगे ना तो डोर सेम साइज की होनी चाहिए, क्योंकि अभी एक तरफ से मैंने तो लगाई है, अब दूसरी तरफ मैंने मुझे फिर से ये ऐसी डोर लगानी है, तो समान होनी चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर भी एक छिद्र बनाया है, मतलब होल बनाया है। अभी इसमें मैं फिर से जो मैंने दूसरी डोरी रखी थी वो मैं अभी इसके अंदर डालूंगी। अभी मैंने दूसरी डोरी अभी यहाँ पर भी मैंने अभी इसे एक गांठ बांधी है। देखिए किस तरह से मैंने किया है, अभी आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से मैंने जो डोर ली थी वो एक जैसी थी। अभी ये निचला हिस्सा है, मैंने उसे सीधा कर लिया है ताकि कोई भी चीज़ आप रखेंगे तो इसमें आसानी से रहे। अब देख सकते हो आप लोग, अभी हमारी थैली तो बनाकर तैयार है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं तैयार हुई है, क्योंकि कुछ काम अपना बाकी है। अभी मैं इस पर चित्र बनाऊंगी, आप भी कोई भी चित्र बना सकते हो, या आप इस पर लेस या मोती या रंगीन कांच से इसे इस थैली को सजा सकते हो। मैं इसे पेंसिल से पहले चित्र बनाऊंगी, फिर अभी ये मेरे पास जो मार्कर पेन है इसका मैंने उपयोग किया है। अभी मैं इससे पहले पेंसिल से फूल जो है तैयार कर रही हूँ। देखिए कितना आकर्षक लग रहा है बच्चों। आप इस पर कुछ भी पेड़ पौधे कोई भी पंछी का चित्र निकाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आपको चित्र निकालना है। अभी मेरे पास ये कार्ड पेपर जो था वो येलो कलर का है, रंग का है, इसीलिए मैंने यह ब्लू मार्कर लिया है मैंने, और इसे मैं अभी फिर से पेंसिल के ऊपर फिर से मैंने ये मार्कर पेन से मैं फूल तैयार कर रही हूँ। कोई भी कलर लेकर कर सकते हो।
ये हो गई अभी हमारी कागज की थैली बनाकर तैयार। बच्चों, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसीलिए हमेशा प्लास्टिक की थैली की जगह हमें कागज की थैली का उपयोग करना चाहिए।